मेरा नाम मालाराम है और मैं सालावास ब्लॉक से जोधपुर राजस्थान से हूँ। और हमारा पुस्तानी दरी उद्योग का काम है, पंजाब दरी के नाम से सालावास में है। और हम ये अलग अलग जो प्रोडक्ट बनाया है दरी का, पहले हम पुस्तानी दरी मतलब गंदा, बाकल, पोटलिया अलग अलग मतलब साइजों में, अलग अलग रंगों में बनाते थे। तो काफ़ी लोग मतलब खिचखिचा रहे हैं कि हम दरी नहीं खरीदेंगे, तो उसकी जगह हमने फैशन डिजाइन निफ्ट से बच्चों से हमने सीखा है कि अलग कोई आइटम ऐसे बनाए ताकि हमारा मार्केट ज़्यादा बढ़े और हमारी ये कला लुप्त ना हो। तो हमने ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाया सारे, देखिए बैग है, ये बोतल कवर है और अलग अलग हमारे ये कॉस्टर है। तो ऐसे हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये छोटे छोटे बैग है और ये डाइनिंग टेबल पे जो कॉस्टर होते हैं अलग अलग, जैसे बड़ी प्लेट रखने के लिए, उनसे छोटी प्लेट रखने के लिए, ये टी कॉस्टर है। और हमारे यहाँ पे जो ये बुक के अंदर जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते बच्चे थे, वैसे बुक मार्क वो अंदर डाल देते बुक के लिए है। ये सारे प्रोडक्ट हमने ये बनाया है। कोई भी हम ये लोगो भी बना सकते हैं, जैसे आपका कोई लोगो हो तो ये ऐसे दरी वीवर्स के हिसाब से हम लोगो भी बनाते हैं। ऐसे हमारा ये प्रोडक्ट है सारे। देखिए हमारा प्रोडक्ट सिल्क एंड कॉटन, वुलन, कैमल ईयर, गोट ईयर, अलग अलग मटेरियल में हम बनाते हैं इसे। मेरे यहाँ पहले बकरी के बाल, ऊँट के बाल और ये सारे अलग अलग वूल में, ये चिंदी में और देसी हमारा धागा होता है सूत, उसमें ये परंपरा से बनाते थे पहले हमारे दादाजी, पड़ दादाजी, मतलब दर पीढ़ी से पीढ़ी ये काम हमारे पुस्तानी चल रहा था। फिर हमने सोचा कि आगे ये मतलब चलेगा नहीं और ये गांव में लुप्त हो जाएगी कला, तो हमने इसको डिजाइन में परिवर्तन किया था। तो हम यहाँ से 3 लोग टोंक गए थे, वहाँ टोंक में श्याम आहूजा और एक जगमोहन सांडक और एक बीड़ी कला, ये 3 व्यक्ति, इनका ये पहले उलन में कारपेट बनते थे और दरी भी वहाँ टोंक में बनती थी। तो हम लोग वहाँ पुसाराम, जालाराम और मैं मालाराम, तीनों लोगों ने हम मिलके वहाँ गए और ये डिज़ाइन हमने वहाँ सीखी थी। फिर यहाँ लोगों को हमने सिखाया तो धीरे धीरे वहाँ पे 5,000 लोग ये काम सीखे थे। फिर ये 1984 के अंदर ये कला वापस थोड़ा धीरे धीरे दब गया था। तो फिर श्याम आहूजा ये बॉम्बे वर्ली में चला गया, तो फिर ये मटेरियल देना बंद कर दिया था लोगों को। तो फिर 5 इंडिया आई थी तो उन्होंने ये कला थोड़ा वापस शुरू किया। तो 1995-2000 तक ये चला था काम, तो वो भी कला ख़त्म हो गई। फिर ये धीरे धीरे कला बिल्कुल धीरे धीरे एक एक करके ऐसे बंद हो गया। फिर हमने सोचा कि ये कला तो बंद हो गई, हम कैसे करें। तो फिर हमने फैशन डिजाइन निफ्ट से जुड़े और वहाँ से सहयोग किया कि भई हमारे को ये दरी हमारी लुप्त हो रही है। तो मैडम ने बोला कि आप ऐसे करो, हमारे बच्चों को सिखाओ आप और आपको आगे बढ़ाएंगे हम। तो हमने बच्चों को सिखाया वहाँ पे वीविंग कैसे होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों ने हमारे को उल्टा सिखा दिया कि आप अंकल जी बड़ी बड़ी साइज़ों में दरी मत बनाओ, ये कलर मत डालो, ये मतलब ऐसे डिजाइन मत डालो। तो उन्होंने हमारे को बताया तो हम उसके हिसाब से हमने शुरू किया। फिर उन्होंने बच्चों ने बताया कि बैग बनाओ, फिर कॉस्टर बनाओ, डाइनिंग टेबल के सेट बनाओ और अलग अलग जो शोरूम होते हैं उसमें बिछाते हैं तो अलग अलग उस हिसाब से डिजाइन बनाओ। तो हमने बच्चों से बहुत सीखा है और हम उन फैशन डिजाइन NIFDA IDI और सबका हम आभारी हैं कि हमने खुद ने उल्टा सीखा है और उन कला को हमने यहाँ जीवित किया वापस और उन बुनकरों को वापस हमने आगे बढ़ावा दिया। और आगे आगे ये मतलब अभी काफ़ी हमारे गांव में 25-30 लोग वापस काम शुरू कर दिया और बहुत अच्छा उसका स्कोप आता है। गोवा, बॉम्बे, बेंगलोर स्टेज लगते हैं हमारे जो मेले, उसमें बंगला नाटक .com भी आया। यहाँ हमने यह मारवाड़ एक फेस्टिवल भी करवाया, उसमें भी अच्छा हमारा स्कोप आया था। तो हम अभी इतना हमारे में ताकत आ गई कि हम ये कला लुप्त कभी नहीं होने देंगे और हमारी बहुत बड़ी सोच है कि ये पूरा भारत में
ये कला हम चलाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि ये इनसे रोज़गार मिलता है, रोज़गार से शिक्षा मिलती है, सारा ये अपना पेट भरते हैं इन कला के पीछे। तो एक एक व्यक्ति हमारे यहाँ अलग अलग जाति में ये कला आगे बढ़ावा देने में सपोर्ट करेंगे, हमारा ये हमारा लक्ष्य है। और हमने गांधी वाला चरखा भी जीवित रखा, उसमें कताई और बुनाई का काम दोनों करते हैं हम। जैसे कपास उगा के कताई करके फिर पिंजाई करके बुनाई करके एक्सपोर्ट तक हम करते हैं खुद। अभी हमारे यहाँ योजना तो सरकार ने खूब चला रखी है, मगर बुनकरों तक अभी तक कोई एक भी योजना नहीं पहुँची है। और नई बुनकरों के आर्टिजन वो कार्ड बने हैं, बुनकर कार्ड। और मेटेरियल हमारे यहाँ पे 250 रुपया केजी के हिसाब से पड़ता है, और हमारे को जो दलाल लोग होते हैं वो 600 रुपया 650 रुपया केजी के हिसाब से हमारे को दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक तो यहाँ पे कॉमर्स फैसिलिटी सेंटर बन जाए और एक यान डिपो बना जाए ताकि यान का प्रॉब्लम हट जाए। और इन बुनकरों को एक डाइंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्यों डाइंग में इनको मार पड़ती है और महंगी हमारी दरी पड़ने का कारण ही डाइंग में है, क्योंकि डाइंग कलर हमारे महंगा पड़ता है तब ये दरी हमारी महंगी पड़ती है। बाकी वीविंग का तो हमारे 100, 150, 250, 300 तक हमारी रेट है वीविंग रेट, बाकी मेटेरियल का ज़्यादा होता है हमारे। तो हम यही कामना करते हैं कि इन बुनकरों को कोई लोनिंग वॉर्निंग दे ताकि यान डिपो खोल दिया जाए या यान खरीदने के लिए। तो ये हमारी ये कामना है कि उनको कम से कम 6 लाख का लोन मिले ताकि उन लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये कला कभी हम लुप्त नहीं होने देंगे। निफ्ट है, NIFDA, ITI है, बड़ी बड़ी हॉस्टलों से इन बुनकरों को जोड़ना चाहता हूँ। और उन बच्चों को भी पता नहीं है कि सलावास की पंजादरी ये ऐसी बनती है और ये मतलब आगे इनको सीखना ज़रूरी है। इसमें जो मतलब सीटें भी होती है, जैसे नौकरी लगती है तो वो नौकरी के लिए बेरोज़गार भटक रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कला से जुड़ के नौकरी में भी चले जाते हैं तो उनका भी ये रोज़गार हो सकता है। और हम पूरा भारत में ट्रेनिंग के ज़रिए जैसे ट्रेनिंग दे दे के उन जो रोज़गार भी उन लोगों को दे सकते हैं और कला को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा पूरा भारत में हम चाहते हैं कि ये हम खुद लूम दे के धागा दे के और उन कला को सिखाएं हम। और मैंने काफ़ी अवार्ड भी लिए हैं, फर्स्ट प्राइज़ भी लिए हैं और काफ़ी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए दरी में वीविंग में सबको भारत को कि हमारी ये कला हम जीवित नहीं हमारी कला जीवित रहे, यही हम कामना करते हैं। ईश्वर से भी करते हैं और हमारे जो हमारे सपोर्टर हैं उनको भी ये करते हैं कि आप लोगों का भला हो कि ताकि उन बुनकरों को जीवित रखा आपने। धन्यवाद।